माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल जश्न का माहौल है और सब जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर जोशो खरोश है और आतिशबाजी देख रहे हैं आप, चल रही है अभी भी। और असनैन भाई से पूछते हैं हम, असनैन भाई क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन के बारे में? या अली मदद अली सलाम कह रहे हैं सब, जैसा कि माशाल्लाह आज 13 रजब है हमारे और अली मुस्तफा की आमद है और ईद से बढ़कर ईद का दिन है हमारे लिए। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक और सब खुश रहे, आबाद रहे। कोई असन भाई मौला अली के कोई शेर हो जाए अगर आपको आता हो? शेर हो जाए भाईजान, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा मीर साहब का, क्योंकि मीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, क्योंकि हमें बारगाह में जाना है। मैं सिर्फ एक शेर अशआर करूँगा, 13 रजब है मुझसे मिलो, मैं नशे में हूँ, मैंने तवाफ़े मिंबर मौला अली किया, अब तुम मेरा तवाफ करो, मैं नशे में हूँ। अमन भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, और चलें बारगाह चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलें। तो अभी अब अंदर जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे लगे हुए पटाखा, और ये चलते हैं अंदर। यहाँ से खरीदारी हो रही है पटाखों की, अभी जा रहे हैं हम इमाम बारगाह के अंदर, और वो देख सकते हैं अभी भी माशाल्लाह जबरदस्त मनाया जा रहा है। ये देखिए कौन सा ग्राउंड है, अरवा ग्राउंड है जी ये, और तो अभी चलते हैं सामने इमाम बारगाह है, मेन इमाम बारगाह चौली की मेन इमाम बारगाह है ये। तशरीफ ला चुके हैं मीर हसन मीर आ रहे हैं यहाँ पर, मीर सज्जाद मीर हसन मीर, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह करबला वाला मंदिर। कोई आलम न फरिश्ता न नबी रहता है, 14 सदियों से जो रहता था वही रहता है। झांक के देखो झिरी से तो खुलेगा तुम पर, झांक के देखो झिरी से तो खुलेगा तुम पर आजियों आज भी काबे में आ गए। Oh!
Show
इस वक्त